बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। हेलो एवरीवन, मैं सुनिधि मेहरा नारंग आप सबका स्वागत करती हूँ एस्ट्रो तक पे। आप हमारी वीडियोस को एस्ट्रो तक के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके देख सकते हैं, एस्ट्रो तक के फेसबुक पेज पे या तक ऐप पे जाके भी देख सकते हैं। मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पे सुनिधि मेहरा के नाम से मेरे साथ जुड़ सकते हैं। आज हम बात करेंगे सूर्य देव के राशि परिवर्तन के बारे में। सूर्य जो है अब अपनी कन्या राशि से तुला राशि में प्रवेश कर रहे हैं। तुला राशि का जो स्वामी ग्रह है वो है शुक्र। सूर्य और शुक्र आपस में मित्र हैं, इनकी आपस में बनती है तो कोई इतना नुकसान होने के चांसेस नहीं है। और सूर्यदेव वैसे भी पूरे यूनिवर्स को एनर्जी प्रदान करते हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं, तो वो कोई नुकसान इतना नहीं होगा किसी भी राशि को। अब देखते हैं किन किन सेक्टर्स में इसका फायदा होगा। जैसे शुक्र जो है उनको लग्जरी से रिलेट किया जाता है, तो जितने भी लग्जरी वाले काम है सेक्टर्स हैं उनमें बेनिफिट होगा। जैसे अब कॉस्मेटिक्स का जो काम है, सलून्स हैं, जो टेक्सटाइल्स में हैं, जो होटल इंडस्ट्री हैं, जो फैब्रिक्स बनाते हैं और जो फर्नीचर बनाते हैं, या लग्जरी कार्स का जिनका काम है, उन सब को इस समय फायदा होगा। उनके जो रुके हुए काम है वो बनने शुरू हो जाएंगे। और अब देखते हैं कैसा रहेगा राशियों का हाल इस सूर्य देव के राशि परिवर्तन से। तो शुरू करते हैं एरीज यानी कि मेष राशि से। मेष राशि राशि वालों, आपके लिए कैसा रहेगा ये राशि परिवर्तन? आपके लिए अच्छा रहने वाला है। दुश्मनों पे आपकी विजय प्राप्त होने वाली है मैरिड लाइफ में, लेकिन आपको ध्यान रखना है ईगो एंगर की प्रॉब्लम से बचना है, गुस्से पे नियंत्रण रखना है, ईगो नहीं आने देनी है। जॉब बिजनेस में आपके लिए अच्छा रहेगा, आपको बेनिफिट होगा। ज़्यादा हो सके थोड़ा नेगेटिव काम्स में मत इन्वॉल्व लें, मतलब किसी के पीछे पीठ पीछे बात मत करें, इस समय आप मुसीबत में फंस सकते हैं। कुल मिला के आपके लिए अच्छा रहेगा, आपको इस समय बिजनेस में फायदा होगा, गुस्से में कंट्रोल रखना है। अब देखते हैं वृषभ राशि यानी कि टॉरस के लिए कैसा रहेगा ये राशि परिवर्तन। आपके लिए मिक्स्ड यानी कि मिला जुला रहेगा। आपको अपना घर या जगह शिफ्ट करने वक्त ध्यान रखना है। कोई नई जगह पर जाना चाह रहे हैं, शिफ्टिंग करने लगे इस समय, तो थोड़ा सा सोच लीजिए। अगर डिले कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो डेट देख के करिएगा, थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा कर्ज का लेन देन नहीं करना है इस समय। आपको नुकसान हो सकता है तो पैसों की ज्यादा लेन देन नहीं करनी है आपको, क्योंकि अगर आप पैसों की लेन देन करते हैं तो आपको नुकसान हो सकता है, बट बाहर फॉरेन से रिलेटेड काम जो है आपके वो इस समय बनेंगे। अब बात करते हैं मिथुन राशि के लिए यानी कि जेमिनाइज के लिए ये कैसा रहेगा राशि परिवर्तन। आपका जो कॉन्फिडेंस है वो इंक्रीज होगा, आपको फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा, आप लोगों को इम्प्रेस कर पाएंगे, लोग आपके काम से खुश होंगे, आपके जो लव रिलेशनशिप हैं वो भी सक्सेसफुल रहने वाले हैं। आपको ध्यान रखना है किसी गलत कंपनी में नहीं जाने का, वो एनर्जी पॉजिटिव कामों में लगाएंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अब देखते हैं कैंसेरियन यानी कि कर्क राशि के लिए कैसा रहेगा ये राशि परिवर्तन। कैंसेरियन जो कर्क राशि वाले हैं, आपको अपनी इंट्यूशन को सुनना है, अपने अंतर्मन की आवाज़ को सुनना है, वाणी पे कंट्रोल करना है। जो बोल रहे हैं सोच समझ के बोलिए, वाणी के कारण, कुछ गलत शब्दों के कारण आपको नुकसान पहुंच सकता है। मनी लेकिन आपकी इंक्रीज होगी, नए कनेक्शंस आपके लिए बनेंगे, और आपको अहंकार से मतलब घमंड नहीं करना है किसी भी चीज़ का, उससे नुकसान हो सकता है। तो न्यू कनेक्शन बनेंगे और आपकी इंट्यूशन जो है अंतर्मन की आवाज़ आपको सुननी है। अब देखते हैं लियो यानी कि सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। आपको अचानक कोई पैसों का लाभ हो सकता है, एकदम से अनएक्सपेक्टेड रूप में मनी आपके पास आ सकती है। एनर्जी बहुत होगी बट उसको सही ढंग से यूटिलाइज करने की जरूरत है, नहीं तो बनते हुए काम भी बिगड़ जाएंगे। तो ओवर एनर्जी जब हो जाती है तो वो भी नुकसान कर देती है। एनर्जी को थोड़ा सा कंट्रोल रखना है, सोच समझ के आपको काम करना है, क्योंकि गुस्सा अगर आपका बढ़ सकता है इस समय, और गुस्से पे आपको कंट्रोल करने की जरूरत है। जितना हो सके मेडिटेशन करिए, भक्ति करिए, पूजा पाठ करिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। अब देखते हैं वर्गो राशि के लिए यानी कि कन्या राशि के लिए कैसा रहेगा ये राशि परिवर्तन। आपको जो प्रोजेक्ट हैं, जो भी आपको मिल रहे हैं, सोच समझ के लेने हैं। नया काम को शुरुआत करने से बचिए, पैसा कमाने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, थोड़ा बोझ आपके सिर पे बढ़ सकता है, लोगों का बोझ भी आप उठा सकते हैं। तो न्यू डायरेक्शन में थोड़ा सा ध्यान से सोच समझ के जाना है। अगर जा भी रहे हैं तो पिछली गलतियों को हो सके तो ना रिपीट करिए, आपको पहले से ज़्यादा हार्डवर्क इस समय करना पड़ सकता है।
अब देखते हैं लिब्रा राशि के लिए, यानी कि जो तुला राशि के लिए कैसा रहेगा ये राशि परिवर्तन। आपके लिए वैसा तो अच्छा रहेगा, आपको अच्छा टाइम मिलेगा अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ बिताने के लिए, आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा, पैसों में ग्रोथ होगी, बट हेल्थ वाइज आपको ध्यान रखने की जरूरत है। अगर कोई प्रॉब्लम लग रही है तो उसको डॉक्टर के पास जाइए, उसमें अलगर्जी मत करिए, मतलब लीनियंट मत होइए अपनी हेल्थ के कामों को लेके। अदरवाइज आपका मान सम्मान बढ़ेगा, पैसों में वृद्धि होगी, एनर्जी, क्योंकि सूर्य ग्रह आ रहे हैं तो एनर्जी भी आपकी आप में जो है बनी रहेगी। अब हम बात करेंगे स्कॉर्पियंस के लिए, यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ये राशि परिवर्तन। आपके लिए अच्छा है, पैसों में आपकी ग्रोथ होगी, पावर आपकी इंक्रीज होगी, सक्सेसफुल रहेंगे आप इस समय, लोग आपको फॉलो करेंगे, आपके काम को एप्रिसिएशन मिलेगी, रिस्क आप इस समय ले सकते हैं। अब बात करते हैं सेगिटेरियस यानी कि धनु राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ये राशि परिवर्तन। आपको अच्छी खबर मिल सकती है, खुशखबरियां आपके पास आ सकती हैं, जॉब में सक्सेस मिलेगी, बिजनेस में सक्सेस मिलेगी, बट हार्ड वर्क पहले से ज्यादा करना पड़ेगा, मतलब जितना आप हार्ड वर्क करते थे उससे ज्यादा करना पड़ेगा। जो लोग जॉब के लिए ढूंढ रहे थे उनके लिए अच्छा है, कोर्ट केसेस आपके सॉल्व हो सकते हैं, तो आपको सक्सेस मिलेगी, जो आपके काम अटके हुए थे वो अब बनने शुरू हो जाएंगे, बट हाँ मेहनत आपको आगे से ज्यादा करनी पड़ेगी। अब देखते हैं मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न्स के लिए कैसा रहेगा ये राशि परिवर्तन। कैप्रिकॉर्न्स वालों आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, धोखा मिल सकता है, लोग आपके पीठ पीछे आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, नए लोगों को ना ऐड करिए अपने काम में, नया कुछ किसी न्यू कनेक्शन को अपने साथ मत जोड़िए क्योंकि नुकसान हो सकता है। जिन लोगों पे विश्वास है उन्हीं के साथ पैसों की लेन देन करिए या ना ही करिए तो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको कहीं कोई धोखा दे सकता है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान से रहना पड़ेगा। रिलेशनशिप आपके अच्छे रहेंगे, सितारे आपका अदरवाइज करियर में साथ देंगे, बट धोखे के आपके पास चांसेस रहेंगे, तो नए लोगों को मत जोड़िएगा, कहीं पैसों का बड़ा लेन देन मत कीजिएगा, नुकसान हो सकता है, अटक सकते हैं आपके पैसे। अब बात करते हैं एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वालों की, इनके लिए पेशेंस इनको रखनी पड़ेगी, मतलब सब्र करना पड़ेगा, आप में सब्र को बढ़ाना पड़ेगा, सब्र का फल तो मीठा होता है, आपके लिए भी मीठा होगा, बट जो ध्यान रखना है कि ऑफिस में पॉलिटिक्स आपकी शुरू हो सकती है, ऑफिस में बिजनेस में, तो लोग कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपके प्रति थोड़े डिफरेंट भावना रख सकते हैं, ऑफिस पॉलिटिक्स का आप शिकार हो सकते हैं, बट अदरवाइज अगर आप सही से चलेंगे तो आपको मुश्किलें तो आएंगी, आप उन मुश्किलों को पार कर लेंगे, तो डिफिकल्टीज आएंगी आपके रास्ते, बट आप उनको ओवरकम कर लेंगे। आपको क्या करना है, आप अगर हो सके तो आप हनुमान जी का पाठ करिए, आप में वो स्ट्रेंथ आएगी अपना इस टाइम को निकालने की, तो मुश्किलें आएंगी बट खत्म हो जाएंगी, आपके काम भी बनेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, बट थोड़ा सा आपको आसपास पॉलिटिक्स से बच के रहना पड़ेगा, उनमें किसी की बैक बाइटिंग में इन्वॉल्व मत हो जी होइएगा। अब बात करते हैं मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। मीन राशि वालों आपके काम तो बनेंगे बट आपको कंपटीशन रहेगा, मतलब आपको कहीं थोड़ा सा कंपटीशन मिल सकता है, यानी कि आपको लोग थोड़ा सा कोशिश कर सकते हैं आपको टक्कर देने के लिए, बट ऐसी कोई बात नहीं है, आप में खुद भी दम रहेगा, आपके काम बनेंगे, बट इमोशंस को थोड़ा लेके आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इमोशनली थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकते हैं, और कहीं अगर पेमेंट फंसी है तो वो फंसी रहेगी, वो नहीं आएगी, तो मनी थोड़ी सी ब्लॉक हो सकती है। नया काम करेंगे तो ठीक रहेगा, बट जो पुरानी पैसे हैं वो आपको थोड़ी देर और फंसे रहेंगे, तो नया रास्ता तो खुलेगा बट पुराने रास्ते अभी बंद ही रहेंगे आपके लिए, उसमें कोई फर्क नहीं है। इमोशनल लेवल भी थोड़ा सा आपका ऊपर नीचे जा सकता है, इमोशंस आपके थोड़े से हिल सकते हैं इस समय, तो थोड़ा सा अपने आप में स्टेबिलिटी रखिएगा, हो सके तो जितना बिजी रखने की कोशिश करें अपने आप को अच्छा रहेगा, मिसअंडरस्टैंडिंग्स में मत इन्वॉल्व होइएगा, जितना जल्दी हो सके अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स को क्लियर कर लीजिएगा, अदरवाइज आपके लिए मिला जुला रहेगा, आपके काम बनेंगे, जो नए काम शुरू करोगे वो खत्म होंगे बट पुराने काम थोड़े से अटके रह जाएंगे। ये था 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा सूर्य परिवर्तन। उम्मीद करती हूँ ये आपको वीडियो अच्छी लगी है, तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।